Welcome to Abhipedia guys, myself Dr. Dharmender and today I am going to discuss a very important topic for UPSC prelim, that is mangroves adaptation. आपने पढ़ा होगा मैंग्रोव्स के बारे में, तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी के अंदर मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट उठाया है. देखो जब आप मैंग्रोव्स को पढ़ते हो वहाँ पे एक वर्ड आता है फैकल्टेटिव हेलोफाइट. अब ऐसा नहीं है कि उनका मन किया उन्होंने वर्ड साथ में लिख दिया, इसका मीनिंग समझना जरूरी है. फैकल्टेटिव वो होता है विच कैन सर्वाइव इन अदर एरियाज एज वेल. तो अगर वहाँ पे ऑब्लीगेट हेलोफाइट होता तो इट मीन्स कि मैंग्रोव आपने देखा होगा कहाँ पे हैं, ब्रैकिश वाटर सैलाइन वाटर में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं हमारे, है ना, कोस्टल एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी आपने देखा है. क्वेश्चन ये आता है कि अब ये वर्ड फैकल्टेटिव हेलोफाइट कहाँ से आया. हेलोफाइट मीन्स विच कैन सर्वाइव इन सैलाइन एरिया, फैकल्टेटिव मीन्स कैन दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन अदर एरिया एज वेल. इट मीन्स कि यहाँ से अगर एक स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है कि भाई मैंग्रोव कैन ऑल्सो सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, ये स्टेटमेंट अब आपके कंफ्यूज करोगे जब आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता. इस वर्ड का मतलब फैकल्टेटिव मींस दे कैन आल्सो सर्वाइव इन फ्रेश वाटर एज वेल, बट सर्वाइव मोस्टली ज्यादा होते नहीं है. द रीजन इज के दे फेस कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स. तो अदर प्लांट्स जो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं दे हैव मोर एफिशिएंट एंड डीप लॉन्ग रूट्स एज कंपेयर टू मैंग्रोव्स. तो इसलिए ये सेलाइन के वाटर के अंदर होते हैं. अब कंडीशन आती है कि भाई सेलाइन वाटर के अंदर वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं. हमें पता है जो वेट सॉयल होती है परमानेंट या टेम्परेरी वेट रहते हैं ज़्यादातर, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है. नाउ इट मीन्स कि अगर मैंग्रोव को वहाँ पे सर्वाइव करना है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, सॉइल के अंदर तो ऑलरेडी कम है. इसलिए उनकी बॉडी ने कुछ ऐसी अडेप्टेशन की टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. नाउ दिस इज अबाउट मैंग्रोव्स अडेप्टेशन. तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. एक आधा अगर क्वेश्चन आया भगवान की कृपा से तो आपका सॉल्व हो जाएगा. नाउ फर्स्ट देखो अडेप्टेशन की जब मैं बात करता हूं तो पांच टाइप की अडेप्टेशन है. हमने पूरा 360 डिग्री प्रिपेयर कर लेना इसको. दैट इज लो ऑक्सीजन अडेप्टेशन, साल्ट अडेप्टेशन, वाटर अडेप्टेशन, न्यूट्रिएंट अपटेक एंड सर्वाइवल. सो फर्स्ट देखते हैं लो ऑक्सीजन. अब लो ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, अभी वहां पे ऑक्सीजन लो है. इट मीन्स कि उनकी रूट्स जो सॉइल से बाहर आती हैं जिनको हम बोलते हैं निमेटोफोर्स. अब ये वर्ड आपने याद रखना है, निमेटोफोर्स क्या है, जो रूट सॉइल से बाहर आती हैं. अगर आप उसमें इसके अंदर देख रहे हो पीपीडी के अंदर तो आपको निमेटोफोर्स लिखा है, यहाँ पे नीचे रूट्स बाहर आई हुई हैं. अब इन रूट्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं लेंटिसेल्स. तो यहाँ से ये एयर से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं. तो ये देखो कितनी अच्छी मॉडिफिकेशन उसकी बॉडी ने की टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज अबाउट सैलिनिटी. एज यू नो सैलाइन वाटर है तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी. सैलिनिटी का प्रॉब्लम क्या है, देखो मान लो अगर मैंग्रोव्स सैलाइन वाटर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनके सेल के अंदर सॉल्ट अकमुलेट हो रहा है. हमें पता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर सल्यूट जो साल्ट, सॉल्ट की ज़्यादा एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वाटर यहाँ से उसकी तरफ मूव करेगा. इट मीन्स कि जो मैंग्रोव्स के सेल हैं उसके अंदर सॉल्ट अकमुलेट हो गया. अब ये और अब्जॉर्ब करते जाएंगे, वाटर अब्जॉर्ब करते जाएंगे और सेल बस्ट हो जाएगा, तो उससे डेथ हो जाएगी मैंग्रोव्स की. लेकिन इसको अब बचाना है तो कैसे बचाएं, इसीलिए उसकी बॉडी ने, मैंग्रोव्स ने ऐसी एक अडेप्टेशन की कि हम इसको किसी न किसी तरह से सॉल्ट को बाहर निकालते जाएंगे. एक है उसमें रूट्स, ऐसी एफिशिएंट रूट्स, उसका सिस्टम ऐसा है, हमें ये नहीं समझना कैसा सिस्टम क्यों कैसे काम करता है, वो टेक्निकल चीज़ें. तो वो सॉल्ट को एक्सपेल आउट करती है. सेकेंड इज बार्क के अंदर, अब जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट अकमुलेट होता रहता है एंड बार्क उसकी शेड डाउन करती है विद द टाइम, जिसके अंदर सॉल्ट बहुत हाई होता है. थर्ड इज लीव्स. नाउ लीव्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स हैं, तो जो सॉल्ट को एक्सपेल आउट करती रहती हैं विद द टाइम एंड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है. अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता है वैक्यूल्स का क्या काम है, उसके अंदर प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वैक्यूल्स हैं. ठीक है, तो ये चार अडेप्टेशन है. ऐसा सच अगर आप यूपीएससी अगर आपको इसके ऊपर पूछेगी सैलिनिटी के बारे में, या तो आपको रूट्स के और लीव्स के अंदर एक स्टेटमेंट आ सकती है. ओके देन वाटर. अगर आपको जनरल प्रोसेस पता है कि अगर लेट अस सपोज एक लीव है, लीव के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, दे रेगुलेट वाटर ट्रांसपीरेशन, रेगुलेट करते हैं. ज़्यादा ओपन होंगे तो वाटर इवेपोरेट करेगा लीव से, तो प्लांट को ज़्यादा चाहिए.
इस अगर आप इसको कंसेप्ट को समझ आ गया, अब बहुत ही ज़्यादा वाटर एरिया के अंदर, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा रेन होती है, उस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो उसके स्टोमेटा ज़्यादा खुलेंगे ज़्यादा टाइम। दूसरी तरफ डेजर्ट एरिया के अंदर बात करूँ जहाँ पे पानी है ही नहीं, इट मीन्स के वहाँ पे अगर स्टोमेटा ज़्यादा खुलेंगे तो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, तो प्लांट के पास तो पानी है ही नहीं इतना, तो जो है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसके लिए प्लांट मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे अपने स्पाइंस लीव्स स्पाइन टाइप होते हैं जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर, तो वहाँ पे उसके स्टोमेटा भी सनकन शेप होते हैं, वो क्लोज ही रहते हैं, वो ज़्यादा ओपन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम ओपन हुए तो पानी इवेपोरेट और ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके स्टोमेटा भी, अब देखो फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर रहता है, सॉल्ट बाहर निकलता गया, अब अगर स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होंगे तो वो जो फ्रेश वाटर है वो भी ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड दे विल फेस प्रॉब्लम। तो यहाँ से इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्टोमेटा को इतना ज़्यादा ओपन नहीं होने देते, सॉल्ट को निकालते जाते हैं बॉडी के अंदर, जब फ्रेश वाटर रह गया उसको अगर ट्रांसपिरेशन हो जाएगी तो पानी फिर बचेगा नहीं, है ना, तो इसलिए वो उसको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। देन न्यूट्रिएंट अपटेक एयर से लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको नेमेटोफोर्स अप देयर। देन सपोर्ट बटरेस रूट, बटरेस रूट्स आपने देखे होंगे, अगर पीछे देखना है इसकी निकाल के अपना गूगल के ऊपर तो आपको पता चलेगा। अब ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए तो ये सुनामी अगर आए तो इजिली दे एक्ट एज ए वॉल, है ना, कम्युनिटी को बचाते हैं। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सुनामी के बाद लोगों को पता लगा कि मैंग्रोव्स की क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर चार ऑप्शन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। ओके, देन सर्वाइवल, कि अब देखो अगर मैं एक सीड की बात करूं तो आपने देखा होगा अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर सीड को जब स्टार्टिंग के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, पानी जोर से नहीं देना क्योंकि सीड का जर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैंग्रोव्स सेलाइन वाटर के अंदर, अब मेच्योर मैंग्रोव जो एक ट्री है ना, स्मॉल ट्री या हम श्रब बोलते हैं उसको, उसके अंदर जब सीड उसका अगर पानी के अंदर गिरा जो सेलाइन है तो वहां पे वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतनी उसके अंदर बॉडी के अंदर अभी इम्यूनिटी नहीं है। जैसे हमारे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जल्दी बीमार हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी कम है, तो यहां पे भी सीड को ऐसा समझो। तो इन्होंने एक प्रोसेस बनाई विवीपेरस, विवीपेरस क्या होता है, यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग आर विवीपेरस। एक होता है ओवीपेरस, ओवीपेरस एग को देते हैं, ठीक है, एग से बाद में बर्थ होती है यंग वन की। नाउ इनकी बॉडी के अंदर जैसे सीड है, सीड डायरेक्टली पानी में नहीं गिरेगा, सो इसकी इस प्रोसेस को हम विवीपेरस बोलते हैं। तो सीडलिंग ग्रो विद इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर ग्रो करती है, उसके बाद वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनती है उसकी, जो नेक्स्ट स्टेज उसकी होती है प्रोपेग्यूल, एंड फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है। अब जब प्रोपेग्यूल के बाद वो पानी के अंदर जाता है ताकि फ्लोट करके कोस्टल एरिया की तरफ जाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट विवीपेरस प्रोसेस एंड देयर सर्वाइवल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैंग्रोव्स अडेप्टेशन। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक ऐसा उठाया जो जनरली आपको बुक्स के अंदर इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं मिलता, तो ये ऑल इन वन है, तो इसको आप अपने नोट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड करना है एज पर योर विश। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मैंग्रोव्स अडेप्टेशन। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी कर सकते हो कि और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।